चुनाव को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नारायण चंदेल का कहना है कि मरवाही की जनता कांग्रेस सरकार से नाराज है, जो कि कांग्रेस का समर्थन मिलने से हम और मजबूत हुए हैं, बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। नारायण चंदेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वैभव शिपांडे ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक नारायण चंदेल जी, जो कि पिछले कई दिनों से मरवाही क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं और लगातार गांव-गांव जाकर दौरा कर रहे हैं। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं बीजेपी? देखिए, मरवाही का जो चुनावी समर है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, हमारा जो कर्मयोगी कार्यकर्ता है, वो पूरी तरीके से हर मतदान केंद्र पर पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी सक्रियता के साथ में जुटा हुआ है। और जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, 3 नवंबर को मतदान है, जैसे जैसे तिथि नजदीक आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण तेजी से बनते जा रहा है। भी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने यह मांग किया था जोर शोर से कि प्रति एकड़ जो 15 क्विंटल धान की खरीदी अभी सरकार कर रही है, उसको 20 क्विंटल करे। जब केंद्र सरकार ने अपना कोटा बढ़ा दिया, तो यहां भी कोटा बढ़ाना चाहिए। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान हर किसान से लिया जाए। तो आपको लग रहा है ये जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, वो सारे मुद्दे इस उपचुनाव में काम करेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो सारी अर्थव्यवस्था है, वो कृषि पर आधारित है। मरवाही कोई शहरी क्षेत्र नहीं है, मरवाही पूर्ण रूप से ग्रामीण इलाका है। और यहां भी किसान ही, गांव का जो आदमी है, वही यहां का डिसाइडेड मतदाता है, वही इस चुनाव परिणाम को तय करेगा। मरवाही को जिला बनाया है, यहां कलेक्टर कार्यालय के लिए, एसपी कार्यालय के लिए, नया जिला पंचायत भवन के लिए, सारे जिला के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए बजट में है कितना पैसा प्रावधान? 14 हजार उन्होंने टोकन रखा है। 14 हजार में सारे संसाधन खड़े हो जाएंगे? और इस चुनाव के बाद में जैसा कांग्रेस की तासीर है, वो मरवाही की तरफ झांक के नहीं देखेंगे। वही जोगी जी तो अब आपके साथ है, मतलब उनकी पार्टी आपके साथ है। देखिए, ऐसा है, जोगी जी की पार्टी का समर्थन हम लोगों को है, और जोगी जी के परिवार को कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से रोका है। श्री अमित जी को रोका, अमित जोगी जी को रोका, ऋचा जोगी जी को रोका। देखिए, चुनाव लड़ना लोकतंत्र में सबका हक है, और जिस प्रकार से प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनाव के मैदान से जोगी परिवार को बाहर किया है, ये प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की हत्या है सरेआम। और इसको लेकर के जनता में आक्रोश है। चुनाव मैदान में सबको जाना चाहिए, परिणाम तो जनता तय करेगी ना, और चुनाव में जय पराजय चलते रहता है। लेकिन प्रजातंत्र के साथ में ऐसा क्रूर मजाक ये भूपेश बघेल और कांग्रेस के सरकार में ही संभव है, और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताएगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विश्वास है नारायण चंदेल को और बीजेपी को, मरवाही की जनता उसका साथ जरूर देगी और यहाँ पे जीत बीजेपी की अवश्य होगी। फिलहाल इसका परिणाम जो है 10 नवंबर को जब आएगा तब पता चलेगा कि मरवाही की जनता किसके साथ है। कैमरामैन रेखाम के साथ वैभव शिपांडे, स्वराज एक्सप्रेस, मरवाही।